This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. राइट जी समीर साहब, यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगा. प्राइवेट जो ब्रोकरेज हाउस हैं, जो इलीगल हैं, इनफैक्ट उनको लीगली कहना चाहिए, वहाँ पे अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों से मैं मिला हुआ, ये कहते हैं कि जी हमें फॉर एग्जांपल लॉस हुआ 2 या 3 लाख रुपए का, अगर तो हमसे लॉस ले लिया गया. पर कहते हैं एक दिन मुझे जब प्रॉफिट हुआ, मेरा प्रॉफिट तकरीबन 6-7 लाख रुपए बन गया, मैं गया उनके पास तो मुझे टहलाते ही रहे जी आपका प्रॉफिट कल मिलेगा नहीं मिलेगा, और वो चीज़ जो है वो प्रोलॉन्ग होती रही, उनको उनको प्रॉफिट मिला नहीं इलीगल में. तो इलीगल में प्रॉफिट मिला नहीं, पीमैक्स में क्या है, पीमैक्स में क्या होगा अगर किसी को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो क्या उसको भी आपके पीछे आना होगा या उसका कोई तरीकाकार है यहाँ पे? इसमें मैं 2-3 चीज़ों का जिक्र करता हूँ. एक तो जो पीमैक्स है इसके शेयर होल्डर्स देख लीजिए कौन है. जी 47% शेयर होल्डर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट ओन्ड बैंक है. इसके अलावा ज़रा तरक्याती बैंक है, पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैं. तो इसके जो शेयर होल्डर्स हैं बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, इसका अपना कैपिटल है. अच्छा, दूसरे जब हम ट्रेड करते हैं तो हम दोनों साइड से मार्जिन लेते हैं, बायर भी मार्जिन देता है, सेलर भी मार्जिन देता है. तो अगर कल खुदा न खास से बायर या सेलर अगर हट जाए या उसके पास और ना हो तो उसका मार्जिन एक्सचेंज के पास पड़ा होता है, ताकि जिसका प्रॉफिट हो उसको एक्सचेंज फिर वो दे सकती है प्रॉफिट. तो हमारा तो सबसे बड़ा जो मेन जो पॉइंट है क्रेडिबिलिटी का वो यही है कि हम गारंटी करते हैं सेटलमेंट. एक दफ़ा ट्रेड हो जाए हमारी एक्सचेंज पे तो उसकी गारंटी है कि एक्सचेंज उसको सेटल करेगा. कल को बायर ना हो या सेलर ना हो या कुछ भी हो जाए, इशू हो जाए, तो एक्सचेंज विल स्टेप इन एंड सेटल दैट. उसी वजह से हमारा सेटलमेंट अच्छा, हमारा जो सेटलमेंट गारंटी फंड है इस वक्त तकरीबन 1 अरब रुपये से ऊपर उसकी टोटल साइज़ है. तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में ये वाहिद इदारा है जहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जा सकती है लीगली. ये लाइसेंस्ड भी है, रेगुलेटेड भी है. सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो कि सारी मार्केट्स को और सारे कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करती है, वही हमारा रेगुलेटर है. तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं और ये इन्वेस्टर्स को खबरदार होना चाहिए कि छोटे छोटे या बड़े भी ब्रोकरेज हाउसेज जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है काम करने को, कल को खुदा न खास्ता कोई इशू हो जाए तो आप किसी रेगुलेटर के पास या किसी भी फोरम पे आप नहीं जाके कोई मांग सकते कि जी हमें मेकअप करें हमारा लॉस, कोई रिकोर्स नहीं है. सो दे मस्ट बी अवेयर कि इस वक्त पीमैक्स जो है वाहिद इदारा है जो कि रेगुलेटेड है, लाइसेंस्ड है, और अगर आपने फ्यूचर्स में काम करना है तो इसी प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए. हमारे जो ब्रोकर्स हैं उनकी लिस्ट भी है हमारी वेबसाइट पे www.pmax.com.pk. उस पर जाएँ, तमाम ब्रोकर्स की लिस्ट हैं, तमाम जो लाइसेंस्ड हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट है, और जो सारे प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो हैं. और इसमें लोग कुछ इसलिए भी शायद उन लोगों के पास जाते हैं क्योंकि वहाँ एक वो हिसाब लूज सा है, कोई अकाउंट ओपनिंग ये वो कोई अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह नहीं है. मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर गया हूँ तो पीमैक्स में तो अकाउंट स्टेटमेंट भी है, पोजीशंस भी मैं डेली बुनियाद पे देख सकता हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ भी सिलसिला नहीं है लीगल में. बिल्कुल नहीं. और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ लोगों को प्रॉफिट हुआ और वो आगे कंपनी खड़ी नहीं कि जो नहीं दे सकते. जी हाँ जी हाँ ठीक. तो अक्सर ये क्योंकि इस हवाले से हमारे पास ईमेल भी आई थी कि अगर हमें फॉर एग्जांपल इलीगल में, तो हमने ये देखा है वो तो इस चीज़ को इलीगल नहीं समझते इन्वेस्टर्स या व्यूअर, कहते हैं जी हम तो वहाँ पे गए हमें प्रॉफिट हुआ तो नहीं मिला, तो पीमैक्स में क्या होगा? तो मैंने कहा क्वेश्चन में आपसे पूछ लो. राइट. अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि चले ठीक है पीमैक्स के पास प्रोडक्ट्स कम है अभी क्योंकि इनिशियल है, ये स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट इन्होंने लिया है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स तो हैं दूसरी, लेकिन वहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया, वहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आपकी ब्रोकर के पास पड़ी है, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज के पास होती है. जी हाँ. ब्रोकर के पास नहीं होती. नहीं जी ठीक है, सेफ. इसमें बल्कि जो मार्जिन्स भी लेते हैं वो एक्सचेंज उनको अलग से रखता है. मतलब ब्रोकर के मार्जिन अलग होते हैं, क्लाइंट्स के मार्जिन अलग होते हैं, और क्योंकि हमारा सिस्टम इंटरनेट बेस्ड है, वेब बेस्ड है, जो भी क्लाइंट है इंडिविजुअल लेवल पे देख सकता है मेरी क्या पोजीशंस हैं, क्या बाइंग है, क्या सेलिंग है, क्या प्रॉफिट है, लॉस है, और ये भी देख सकता है कि मेरे मार्जिन्स कितने पड़े हैं. ताकि खुदा ना खास्ता कल को अगर कोई इशू हो जाए किसी ब्रोकर के साथ तो क्लाइंट के जो मार्जिन्स हैं सेपरेट सेग्रीगेटेड अलग से पड़े हैं, उसको कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं है. ये आपको शायद इल्म हो कि 2008 में जब स्टॉक एक्सचेंज में इश्यूज आए तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इस तरह भी लूज़ किया कि ब्रोकर्स के पास उनके मार्जिन्स पड़े थे या उनके शेयर्स पड़े थे, कैश पड़ा था,
तो वो भी लोगों ने गंवाया। ठीक, तो यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट सेग्रीगेशन है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि कुछ इशूज़ भी होते हैं डेफिनेटली जो आ सकते हैं, आपने बताया क्योंकि टेक्निकल है ये। कुछ क्वेश्चन मेरे पर रॉन्ग टिक के हवाले से भी आए थे, रॉन्ग टिक के हवाले से बताइएगा कि पी मैक्स में क्या कभी रॉन्ग टिक भी हो जाती है, और अगर हो जाती है तो उसका क्या तरीक़ाकार है? रॉन्ग टिक हो जाती है और ये टेक्निकल वजूहत इसकी होती हैं क्योंकि हमारी इंटरनेट बेस्ड एक्सचेंज है। हमारी कोशिश जो है इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में वो ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस रियल टाइम में राउंड द क्लॉक हमें इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ठीक, और जो आती हैं, और मेरा ख्याल 99.99% ऑफ द टाइम कोई इशू नहीं होता। कभी कभी हो जाता है, चाहे वो इंटरनेट की लिंक से हो या पीछे से जो फीड है वो हो जाए। अब मिसाल के तौर पे एक जनवरी में एक हुआ था इंस्टेंस जहाँ के मेरा ख्याल कुछ एक आध सेकेंड के लिए कुछ रॉन्ग टिक्स आ गई। ठीक, अगर मैं एग्जैक्ट मुझे अमाउंट्स नहीं याद, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर सोना $1,650 चल रहा था तो 1550 की टिक आ गई। ठीक, और वो एक आध सेकेंड के लिए जिसमें चार पांच टिक्स जो थी वो गलत थी। ठीक है, उस रेट पे कुछ सौदे हो गए। ठीक, उसमें फिर जैसे ही हमें पता चला उसको हमने जो सौदे रॉन्ग रेट्स पे हुए थे उनको कैंसिल किया। ठीक, उसके अलावा हालांकि इसमें हमारी कोई ऐसी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जी रॉन्ग टिक की बुनियाद पर हमने कुछ मजीद सौदे किए, तो उसमें फिर एक्सचेंज ने उनको कॉम्पेंसेट भी किया। अच्छा, हो जाता है क्योंकि एक टेक्नोलॉजी का इशू है, फ्रॉम टाइम टू टाइम यहाँ पे भी हो जाता है, बाकी एक्सचेंजेस में भी। आपको शायद याद हो एक डेढ़ साल पहले न्यूयॉर्क में जो फ्लैश क्रैश के नाम से बड़ा वो मशहूर है, वो एकदम से मार्केट इतनी गिरी थी कि उसमें बहुत गलत रेट्स पे सौदे हुए, तो अच्छा। वो भी फिर एक्सचेंज ने स्टेप इन करके उनको सौदों को कैंसिल किया था। ठीक है, तो हमारा कहना ये है कि जी हम इंटरनेशनल रेट्स पे आपको सौदे कराएंगे। रॉन्ग टिप मैं फिर कहूँगा बहुत रेयर चीज़ है, हो सकता है साल में एक आध दफ़ा को हो जाए एज अ इंस्टेंस, बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि आईटी की कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज की तरफ से यही एक है कि अगर कोई चीज़ हुई तो उसको हम देखते हैं, और अगर हमारे हिसाब से गलत कोई ट्रेड होगी तो उसको हम कैंसिल भी करते हैं, क्योंकि रॉन्ग टेक पे होगा ये, गलत सौदे पे हो जाए किसी को तो फायदा होगा लेकिन दूसरी साइड को फिर नुकसान होगा, तो फेयर बात यही है कि फिर वो गलत सौदे फिर आप उसको रिवर्स कर देते हैं। क्योंकि अच्छा मैं अगेन फिर यही क्वेश्चन करूँगा, अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ इलीगल में होती है तो इलीगल में तो कोई पूछने वाला नहीं है ना, वहाँ अगर एक मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरा इलीगल ब्रोकर हाउस में जाके रॉन्ग टेक मेरी हो गई तो मैं ब्रोकर के पास जाऊँगा, ब्रोकर से मैं क्या तवक्को रखूंगा? लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ब्रोकर को तो छोड़ के मैं डायरेक्ट पीमैक्स से रब्ता करूंगा, और पीमैक्स जो है क्योंकि एसईसीपी के अंडर है तो बहुत सारे सवालात, एक अथॉरिटी भी है, तो ये चीज़ बड़ी सेफ है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि कुछ इन्वेस्टर्स, पहले से हम बात करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़ा शफल करते रहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, और साथ साथ इनको जो पोर्टफोलियो होता है बड़ा एक शफल रहता है उनका, उनके लिए कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? उनके लिए कई हो सकती हैं जी, अब जो जितने हमारे कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे गोल्ड में जो 1 आउंस है, 10 आउंस है, 100 ग्राम है, 100 आउंस है, इनमें काफ़ी जो नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स हैं वो आते हैं। अच्छा इनमें भी और इसी तरह क्रूड में और सिल्वर में जहाँ जहाँ पीछे इंटरनेशनल मार्केट्स हैं तो वो बड़ी डीप और बड़ी लिक्विड मार्केट्स हैं, उसमें मतलब जितना भी कोई ट्रेड करना चाहे ट्रेड कर सकता है, तो साइज़ इज़ नॉट एन इशू। अगर कोई कहे कि जी मैंने इतने लॉट खरीदने हैं या उतने बाय करने हैं, साइज़ इज़ नॉट एन इशू क्योंकि पीछे बहुत बड़ी गहरी मार्केट्स हैं। दूसरे हमारी तरफ से जो हमारे मार्केट मेकर्स हैं वो हर वक्त एक बाइंग प्राइस भी कोट करते हैं और एक सेलिंग प्राइस भी कोट करते हैं, बीच में एक स्प्रेड। अच्छा स्प्रेड भी हम कोशिश कर रहे हैं अब कम कर रहे हैं, पहले क्रूड ऑयल में हमारा 5 सेंट का होता था, पिछले हफ्ते उसको 5 से 3 सेंट पे कर दिया ताकि यू नो बाइंग और सेलिंग में इन्वेस्टर को फ़ायदा हो। इसी तरह हमारे जो गोल्ड में अमूमन स्प्रेड्स हैं वो 30 सेंट के हैं, तो अगर दुबई एक्सचेंज वगैरह में भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे उनके स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश यही है कि हर वक्त एक बायर और सेलर खड़ा हो और स्प्रेड्स अच्छे हों, रियल टाइम इंटरनेशनल प्राइसेस हों, तो इसमें फिर जो ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जिनको हम कहते हैं वो आ भी सकते हैं क्योंकि उनको एक कंफर्ट है कि जी हम ले भी सकेंगे और बेच भी सकेंगे आसानी के साथ। और जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है वो अमूमन ड्यूरिंग द डे ट्रेड कर सकता है या हो सकता है एक आध दिन उसको पोजिशन को रखें, लेकिन उनको सबसे बड़ा कम्फर्ट ये चाहिए कि जी मैं आऊँ तो मुझे मिल जाए और मैं जाना चाहूँ तो मैं अपना माल बेच के निकल जाऊँ, और वो फिर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट्स पर वो ट्रेड करते हैं। राइट, तो ये सारे जिनमें भी लिक्विडिटी है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स ये सारे सूटेबल हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए। अच्छा कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स, ऐसा सारी सी बात है, हर तरह के इन्वेस्टर हैं, कुछ एवरेज ट्रेडर्स भी होते हैं, उनके लिए कौन सी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर?
उनके लिए भी प्रोडक्ट्स ये भी हैं, इसके अलावा जैसे हमने शुरू में बात की जो फिज़िकल गोल्ड हैं, लेकिन ये जो जो अभी मैंने मेंशन की प्रोडक्ट्स, इनमें भी वो ये कर सकते हैं कि लेवरेज उतना ना लें जितना एक ज़्यादा स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर लेता है। इस वक्त मिसाल के तौर पे गोल्ड में हमारी जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट एक्सचेंज की वो है कुछ 4.5-4.75%। लेकिन हम ब्रोकर्स को भी कहते हैं कि आप इतने थोड़े मार्जिन पे लोगों को ट्रेड ना कराएं। अगर एक्सचेंज का इतना है तो आप 8-10% मार्जिन ले लें, थोड़ा सा कुशन हो। तो इन्वेस्टर अपने लेवल पे भी ये कर सकता है कि अगर इतनी हैवीली उसको लेवरेज ना करे, कम लेवरेज पे कर ले, या फिर ये जो फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, फिज़िकल गोल्ड वगैरह, उनमें चला जाए। दूसरे एक वो कंजर्वेटिज्म में ये भी आ जाता है कि बंदा अपनी वो रिसोर्सेज देख के वो करे। दूसरे ये है कि हर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। अब अगर इन्वेस्टर का टोटल पोर्टफोलियो देखें तो उसमें कुछ स्टॉक्स भी होने चाहिए, कुछ बॉन्ड्स भी होने चाहिए, कुछ कमोडिटीज़ भी होनी चाहिए, कुछ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ों का एक उसमें हिस्सा होता है। तो ये हर एक को, इन्वेस्टर को अपने रिस्क लेवल देख के उस हिसाब से एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो एक वो इमीडिएट इंस्टिंक्टिव एक रिएक्शन हो गया, अच्छा जी गोल्ड चढ़ गया या सिल्वर घट गया, तो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैंने क्या करना है। ठीक, तो ये बड़ा ज़रूरी है इन्वेस्टर लेवल पे, और यही ब्रोकर लेवल पे भी ज़रूरी है। उसमें एक्सचेंज ये कर रहा है कि क्योंकि ये नई मार्केट है तो इसमें हमने पिछले साल कुछ रोड शोज़ भी किए हैं। इस साल हमारी कॉन्सेंट्रेशन है एक्चुअल ट्रेनिंग कोर्सेज पे। अभी 2 हफ्ते पहले हमारा लाहौर में 3 दिन का हुआ था टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स, उसमें ब्रोकर्स भी आए थे, उसमें क्लाइंट्स भी आए थे। इंशाल्लाह मई में हमारी कोशिश ये है कि एक इस्लामाबाद में भी करें। तो ये हम रेगुलर कोर्सेज वगैरह करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रिसर्च आती है वो भी हम अपने ब्रोकर्स को पास ऑन करते हैं और वो फिर आगे अपने क्लाइंट्स को। इसमें 3-4 जो न्यूज़ सर्विसेज हैं उनको भी हमने सब्सक्राइब किया हुआ है। इसकी एक्सचेंज को कॉस्ट पड़ती है $several thousand per month, वो हमने कॉस्ट बेयर की है ताकि वो एक डाउ जोन्स की एक न्यूज़ सर्विस है, रॉयटर्स की एक सर्विस है, उसके अलावा एक टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत अच्छी कंपनी है ट्रेडिंग सेंट्रल के नाम से, वो भी हमने हाल ही में शुरू किया है। तो एक्सचेंज की तरफ से यही है कि एक अवेयरनेस एजुकेशन का जो सिलसिला है ब्रोकर्स तक और आगे क्लाइंट्स तक भी लिया जाए। राइट, अच्छा आप समझते हैं कि चलें प्रोडक्ट्स तो हैं, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, ऑयल भी है, लेकिन कुछ अगर बात करें वीट, शुगर या दूसरी जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर होना चाहिए, जो करेंसीज हैं उनको भी होना चाहिए, सिल्वर पे फिजिकल की भी बात हो रही है, आप समझ रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स की कमी है। ठीक है, उसके बावजूद तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट्स की कमी है। बिल्कुल है जी, इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि इन सबको प्रोडक्ट्स, हमारे 3 मेन कैटेगरीज हैं, एक तो इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटीज जिसमें गोल्ड सिल्वर वगैरह है, दूसरी होगी हमारी डोमेस्टिक कमोडिटीज जिसमें इस वक्त राइस, शुगर और वीट आ चुका है, कॉटन इसके अलावा आना है, फिर कुछ छोटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जाएंगे। तीसरी हमारी होगी फाइनेंशियल फ्यूचर्स जिसमें इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स वगैरह आ जाएंगे। अच्छा, करेंसी फ्यूचर्स का अभी तक वो इंतज़ार है उसके अप्रूवल्स का, हमारी तरफ से तो प्रोडक्ट वगैरह सब तैयार है, तो हमें आज भी अप्रूवल मिल जाए तो हम तकरीबन 1-2 हफ्ते में उसको लॉन्च कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक कमोडिटीज़ हैं जिनमें ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, इनमें कुछ को हमने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन फ्रेंकली इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम अभी नहीं है। इसमें कोशिश यही है, और एक्सचेंज को अपनी तरफ जो हमारा गेम प्लान था वो ये था कि कुछ 3-1 साल का हमारा गेम प्लान है कि इसमें लिक्विडिटी लाई जाए, क्योंकि इसमें कोशिश यही है कि इस वक्त जो कमोडिटीज़ ये ट्रेड हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आप वीट ले लें, इसमें गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा प्लेयर है, पास्को एक बड़ा प्लेयर है, प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट्स एक बहुत बड़ा प्लेयर, क्योंकि तकरीबन 1/3 ऑफ द क्रॉप गवर्नमेंट ही ले लेती है, फिर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आती है। तो इन सब कमोडिटीज़ में ये जो एक्सचेंज का आना, एक्सचेंज ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा चेंज है, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि सबको साथ लेके चलें, बायर्स को भी, सेलर्स को भी, जहाँ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन उनको भी, ताकि आस्ता आस्ता एक वाया मीडिया निकले और लिक्विडिटी आए। लेकिन इसमें तकरीबन 3-1 साल का गेम प्लान है, तो इसमें वक्त लगेगा। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इस वक्त क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, तो मेरा ख्याल ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और शायद होना भी नहीं चाहिए जब तक एक वो लिक्विडिटी ना आ जाए। लेकिन इस वक्त जो इंटरेस्ट है वो ये है कि इन फील्ड्स में जो प्लेयर्स हैं, जैसे वीट में या कॉटन में या शुगर में,
इन लोगों का इंटरेस्ट है और इन्हीं के साथ जो डायलॉग्स हैं हमारे साथ साथ चलते रहते हैं ताकि उनको लाया जाए। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि एक फुल प्रोडक्ट रेंज होना चाहिए और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आस्ता आस्ता इसको ऐड करें। सिल्वर के फिजिकल का कुछ है? सिल्वर का जी उसका अप्रूवल मिल गया है। अब फिजिकल में होता ये है क्योंकि एक्सचेंज गारंटी करती है प्योरिटी, तो उसमें अब हम हर एक से ले नहीं सकते, तो उसमें दो तीन पार्टी से बात चल रही है। कोशिश यही है कि अगले एक दो महीने में अगर वो टाई अप हो जाए ताकि एक सप्लाई लाइन हमारी हो जाए रिलायबल, तो सिल्वर को हम खोल देंगे। वैसे अप्रूवल्स हमारे पास सब मौजूद है। अप्रूवल है तो अप्रूवल है तो उसके बाद कितना टाइम लगेगा फिलहाल में सिल्वर हमारी? अगर ये फिजिकल डिलीवरी की अरेंजमेंट हो जाए ना जी, तो उसके बाद तो विद इन डेज हम उसको खोल सकते हैं। ठीक जी, ठीक है। अच्छा, कुछ मार्केट मेकर के वाले से मैं सवाल करना चाहूँगा। जो आपके मार्केट मेकर्स हैं, कुछ लोगों का कहना है जी आपके जो मार्केट मेकर हैं वो आपके इन्वेस्टर भी हैं, तो ये क्या चीज़ है? देखिए, मार्केट मेकर क्या करता है? मार्केट मेकर हर वक्त एक बाइंग प्राइस कोट करता है और साथ एक सेलिंग प्राइस कोट करता है। तो मिसाल के तौर पे मैं 100 रुपये पे अगर बायर हूँ, 101 रुपये पे सेलर हूँ, तो आगे आपको सूट करता है मुझसे ख़रीद लें या आप मुझसे बेच दें, दोनों की प्राइस साथ में पड़े। तो अगर मार्केट मेकर अपना मार्केट मेकिंग फंक्शन कर रहा है तो वो नेसेसरी है कि वो मार्केट में इन्वेस्टर हो, क्योंकि मैं या आपका या कोई बाहर से उठ के तो नहीं खड़ा होकर प्राइस कोट करेगा। तो इन लोगों की नॉलेज भी होता है मार्केट में, इन लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो इसी वजह से ये फिर हमें प्राइस कोट कर सकते हैं टू वे। इसमें सिर्फ ये है कि अगर मैं आपका सवाल समझा हूँ तो वो शायद लोगों को कुछ कंसर्न है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। एग्जैक्टली, उसमें मैं आपको फिर बताऊंगा कि हमारे यहाँ मार्केट मेकर जो भी प्राइस कोट कर रहा है, एक तो ट्रांसपेरेंट है, अगर किसी को सूट नहीं करती तो बेशक वो ना करें। दूसरे, इंटरनेशनली जो ट्रेडेड हैं कमोडिटीज़, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इसमें रियल टाइम इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ चल रहे हैं, तो ये भी अगर कोई कंपेयर करना चाहे, इस वक्त आपको लाइव प्राइसेस इंटरनेट पे मिल जाती हैं, आप उनकी प्राइसेस देखिए और मार्केट मेकर की देखिए। ठीक, तो इसमें कोई वो मेरे ख्याल में कोई वो इशू होना नहीं चाहिए। राइट, ठीक है। समीर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है जो कि व्यूअर्स के लिए है, या समझ लें कि अगर मैं ट्रेडिंग के लिए आना चाह रहा हूँ तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं पी मैक्स में ट्रेडिंग के लिए क्यों आऊँ? इलीगल ब्रोकर हाउस भी काम कर रहे हैं, इलीगल ब्रोकरेज हाउस भी काम कर रहे हैं, क्या आप उनको बताना चाहेंगे कि कैसे आपकी सेफ्टी है, क्या चीज़ है जो मैं पीमैक्स की तरफ ट्रेडिंग करने के लिए आऊँ? जी, सबसे बड़ी बात कि इस वक्त ये लाइसेंस्ड है और रेगुलेटेड है। वर्स्ट केस सिनारियो में अगर किसी इन्वेस्टर को कोई कंप्लेंट है या कोई प्रॉब्लम है तो वो SEC के पास जाता है। पहले तो एक्सचेंज के पास आता है, एक्सचेंज का अपना एक तरीका है उसको डील करने का, लेकिन अगर सेटिस्फाई ना हो तो SEC के पास जा सकता है। दूसरा ये है कि जो एक्सचेंज है इसकी आप अपनी स्टैंडिंग देखिए, इसके शेयर होल्डर्स कौन है, नेशनल बैंक, जरिए तरक्याती बैंक, पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि गवर्नमेंट ऑफ कुवैत और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर है, ठीक, ये लोग इसके शेयर होल्डर, तो ये कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेशन नहीं है कि आज है और कल को बंद हो जाएगा। तीसरी बात ये कि हम और हमारे ये रूल्स और रेगुलेशन हैं, हमारा एक लॉ है जिसके तहत हम काम करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि जी हम ट्रेड्स आपकी गारंटी करते हैं उनकी सेटलमेंट, और इसीलिए हमारा एक 1 बिलियन प्लस का सेटलमेंट गारंटी फंड भी है। तो कोई किसी किस्म का अगर इश्यू हो भी जाए काउंटर पार्टीज़ को तो एक्सचेंज विल स्टेप इन एंड इंश्योर राइट गारंटी। थैंक यू सो मच समीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। राइट जी, ये थे मिस्टर समीर अहमद जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीमैक्स। बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि जो हमारे जो व्यूवर्स से पूछना चाह रहे थे, और कुछ ऐसे सवाल भी थे जो आई थिंक जो इनसे ही हम पूछ सकते थे, जो रॉन्ग टिक के हवाले से या दूसरे जो इशूज़ थे। ये अच्छी बात ये होती है कि आप अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ एरर्स भी हैं या कुछ इशूज़ भी हैं उनको भी सॉल्व करें ताकि बेहतर चीज़ें आप तक पहुँचें। वेल जी, अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप ये जरूर देखें कि आप जो इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं क्या वो लीगल है या वो इलीगल है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंशाल्लाह ताला आपसे हम कल फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें जो कि है feedback@businessplustv.pk। कल 11:15 आपसे होगी मुलाकात। दानिश अब्बासी को दें इजाजत, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। This program was brought to you by Worldcore Wireless Broadband. Future in your hand. Worldcore, an Omantel company.